दार्शनिक भी थे, बहुत बड़े इतिहासकार भी थे, सब कुछ अगर आप एक व्यक्ति के अंदर देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध बुक है भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी, बहुत शानदार किताब हमने पढ़ी है। और ऐसे व्यक्ति जो समाज में बदलाव लाएं, तो समाज में जो लोग बदलाव लाते हैं उसमें सबसे बड़ा बदलाव लाने का काम करता है शिक्षक। शिक्षक के ऊपर कुछ बातें होनी चाहिए। और आज के समय में अभी आप देखेंगे कि कोविड के बाद थोड़ा सा चीजें और जो शिक्षकों का एक स्थान भारतवर्ष में थोड़ा सा ऊपर आया है, एक नायकत्व की श्रेणी में हीरो वाली जो फीलिंग है वो शिक्षक में भी आ गई है। इधर आप 3-4 साल में देखेंगे ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। इसके पीछे का आज के समय में, अभी आप वर्तमान समय में जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं बड़े, उनकी शिक्षा का जो तरीका है, वो जैसे शिक्षित करते हैं बच्चों को, अब पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं। अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो धीरे धीरे उसको सभी लोग जान चुके हैं, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इंटरनेट, मीडिया, यूट्यूब, सबने एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बातें लोगों तक पहुंचने लगेंगी, भले ही थोड़ा समय में पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगी जरूर। थैंक यू। ये तो आप क्या क्या ले आए, धन्यवाद। चलिए टीचर्स डे पे देखिए आप सबके तरफ से इन्होंने गुलदस्ता ले आइए, और ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए टीचर्स के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके पढ़ाई में विद्यार्थी सफल हो जाए, यही गुरु दक्षिणा है। बाकी तो सब चीजें एक जो व्यवस्था को संचालित करने के लिए होती है। बाकी सबसे अच्छा तभी लगता है जब आप कहीं सफल हो। और दो परंपराएं ऐसी हैं, एक तो शिक्षक की परंपरा और दूसरी आपके माता पिता, दो ही ऐसी परंपरा है जहां आपके बढ़ने पर उनको ये लगता है कि वो बढ़ गए हो। और मेरी जो विद्यार्थी मंजू चौधरी जब आईएएस हुई तो मुझे लगा कि मैं आईएएस हो गया, क्योंकि अपने भी उसमें लगता है कि अगर हम हुए, अपने समय में प्रयास किया तो संयोग है कि नहीं हुए होंगे। लेकिन ये जरूर है, लोग कुछ लोग कहते हैं कि वो आईएएस नहीं हुए तो वो कैसे बना सकते हैं, ये बात बहुत ठीक है नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को बनाने वाले अजीत आचरेकर हैं। आप समझिएगा कि बहुत सारे, और इसके अलावा उनके एक और विद्यार्थी थे विनोद कांबले, दोनों ही क्रिकेटर, लेकिन नाम किसका हुआ, सचिन का। क्योंकि आपकी भी खुद की भी कुछ स्किल है, और अगर आप उस स्किल के साथ आगे बढ़ते हैं और उसमें कोई आपको अच्छा शिक्षक मिल जाता है, तो जर्नी है, बचपन से आप लोग यहां तक आए हैं तो बहुत सारे शिक्षक मिले होंगे और बहुत अच्छे भी मिले होंगे जो सीखने की प्रक्रिया में आपको बहुत आगे बढ़ा पाए होंगे कि आप कुछ सीखें, क्योंकि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्निंग। कोई भी जो अच्छा जो शिक्षक होगा या विद्यार्थी होगा वो हमेशा सीखता है। कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बुद्ध। बुद्ध ने कहा कि उनसे लोगों ने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बताऊं, अनिर्वचनीय है। जब कोई व्यक्ति आधे से ज्यादा जानकारी हासिल करता है तो उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। दुनिया में इतना कुछ है जानने को कि आप चाहे जितना पढ़ते चले जाएं, आप अभी उसके बाद भी बहुत कम जानते हैं दुनिया का। और जो लोग हल्के स्तर पे जानते हैं वो तुरंत उसका बखान करना शुरू कर देते हैं, देखो मुझे ये आ गया। तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। सफल वही व्यक्ति है अपने जीवन में जो जीवन भर सीखेगा। आप अधिकारी हो जाए उसके बाद भी पढ़ना है, उसके बाद भी आप अच्छी चीजों से अपडेट रहेंगे तभी अच्छा प्रशासन चला पाएंगे। आप शिक्षाविद हो जाए तभी आपको पढ़ना ही है। आप सोचिए कि ये वरदान है शिक्षकों के लिए भी कि वो चाहे या ना चाहे उनको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब आपका दामन जो है पुस्तकों ने पकड़ लिया है, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जीवन में कुछ न कुछ हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। आपसे छोटा भी आपको सिखा सकता है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि छोटे के पास हो सकता है वो अनुभव हो जो आपके पास नहीं हो, इसलिए छोटा बच्चा भी सिखा देता है। और जो बड़े विद्वान रहे हैं उन लोगों ने ये कहा है कि कोई भी जानवर भी सिखा सकता है, उससे हम सीख सकते हैं। खराब चीजें आप क्यों ही सीखेंगे किसी की, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना बुरा हो लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, और जो अच्छाई होती है अगर आपने उसको पकड़ लिया तो फिर आपके अंदर वो एक गुण बढ़ गया। जैसे अगर अजगर को आप देखें तो अजगर को देखने के बाद आपको ये महसूस होना चाहिए अजगर तो कुछ नहीं करता है तो जिंदा कैसे। तो दास मलूका हैं, उन्होंने कहा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जन्मा ही नहीं जिसकी व्यवस्था न लिखी हो,
व्यवस्थाएं बनी हुई हैं सबकी, बस आपको वहां पे जाके खड़े होना है सही समय पे, सही अवसर पे, और आपका काम हो जाएगा। हर व्यक्ति का एक भाग्य है, और भाग्यवाद से बात नहीं, यहां आपके सामने वो चीजें आएंगी जो आपकी हैं। उसमें फिर क्या करना चाहिए, जो आपका कर्म है उसको करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए, यही कर्म का कौशल है। कर्म का कौशल इसी को कहते हैं कि आप फल की चिंता में व्यर्थ मत होइए। मोटिवेशन थोड़ी देर आपको हो सकता है कि आईएएस बनेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन उस मोटिवेशन में आप हमेशा नहीं रह सकते। उसके लिए आपको जो काम करना है, अगर खेत है वहां पे आपको फसल उगानी है, तो उसकी आपको हर तरीके से उसकी निराई करनी पड़ेगी, उसकी कुड़ाई करनी पड़ेगी, उसमें पानी देना पड़ेगा, वही है आपकी तैयारी। तैयारी में भी यही चीजें हैं कि आप अगर सही तरीके से अपने आप को तैयार कर देंगे तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन दिखता भर है नहीं। 12 लाख, आप सुनते होंगे, इतने लाख बच्चों ने फॉर्म डाल दिया, एग्जाम देते देते आप देखते हैं कि जो 5 लाख गए, फिर देते देते आप उसमें देखेंगे जो सीरियस कैंडिडेट कितने हैं। आप अपनी तैयारी के दौरान भी अनुभव करते होंगे कितने लोग सीरियस हैं, कोई एक, कोई दो, बाकी सब यहां मस्ती में है, बाकी सब जो है मस्ती में ही है। अब फिर कहते हैं हमने आईएएस की तैयारी किया था, आप तैयारी को मत बदनाम करिए, तैयारी नहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हम में कमी है, इसलिए हम नहीं हो पा रहे हैं, हमारी समस्या है। और अगर उस समस्या को दूर करना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति उतना ही समर्पण, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, और जब आपका डेडिकेशन होगा, समर्पण होगा, तभी वो चीजें आपके सामने आएंगी, और समर्पण नहीं होगा तो फिर वो चीजें हाथ से फिसल जाएंगे। समय जब तक रहता है तब तक समझ में कम आता है, जब समय नहीं रहता तो समझ में ज्यादा आता है कि काश वो दिन इस्तेमाल कर लिए होते अपने आप को तैयार करने में। थोड़े समय तक आपको छिपके रहना है। विद्यार्थी का मतलब ये है कि स्वार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या है, स्वार्थी। आपको लोग कहेंगे आप स्वार्थी हैं, कह लेने दीजिए, क्या दिक्कत है। आपको परमार्थी कह लेंगे कि आप बहुत बड़े दानी हैं, उससे आपको क्या ही मिल जाएगा, बताओ क्या मिल जाएगा। इसलिए अभी स्वार्थी बने रहना जरूरी है। ओवरऑल आपने एक दिन में क्या अचीव किया, क्या आपका ऑब्जेक्शन रहा उस दिन में, क्या आपने सीखा, कितना आप अपने एग्जाम के नजदीक पहुंचे, ये रोज की बातें हैं। जैसे खाना पीना सोना अनिवार्य है, वैसे ही आप जिस तैयारी के लिए आए हैं वो भी, उसके बारे में तैयार होना, उसके बारे में सोचना अनिवार्य, ये भी अनिवार्य है।